मध्य प्रदेश में एक तरफ कमलनाथ सरकार शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला रही है, वहीं सीधी में खाद्य विभाग के अधिकारी ही सरकार के इस अभियान को पलीता लगा रहे हैं। दरअसल शहर के बीचों बीच स्थित मिष्ठान भंडार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ग्राहक मिष्ठान खरीदता है। इसके बाद ग्राहक की मिठाई में जली हुई बीड़ी का टुकड़ा मिलता है। जब ग्राहक दुकान में मिठाई वापस करने गया तो दुकानदार बदसलूकी करने पर उतर आया, जिसके बाद ग्राहक ने दुकानदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अभी जो रिपोर्ट आप लोग के माध्यम से जो मिल रही है कि अभी भी उनके द्वारा जो है अमानक स्तर के जो है मिठाई जो है बिक्री की जाती है और काफ़ी गंदगी है, तो इस संबंध में एक दो दिन के अंतर्गत पुनः उस मतलब भंडार से जो है राजस्थान भंडार से सैंपल लिए जाएंगे। सभी जितने भी वस्तुएं उनके द्वारा बिक्री की जाती है उन सभी वस्तुओं के लिए जाएंगे सैंपल और जाँच के लिए भेजा जाएगा। यदि सैंपल अमानक आता है या मानव सुरक्षा से विपरीत आता है तो उनके खिलाफ जो है आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्रवासियों की विभिन्न समस्याओं का निराकरण भी किया गया। इस दौरान क्षेत्र में भूतपूर्व